विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से तंबाकू निषेध जागरूकता गोष्ठी का आयोजन मंगलवार को जिला अस्पताल के न्यू बिल्डिंग सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नुसरत खान, जिला अस्पताल के एडिशनल CMO डॉक्टर रवि विश्वकर्मा, जिला स्वास्थ्य सूचना अधिकारी डॉक्टर OPG राव, चारगावा के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धनंजय कुशवाहा, पंचम राय, डॉक्टर सविता तिवारी, बसंत श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियां, उसके रोकथाम और लोगों को तंबाकू से कैसे दूर रखा जाए पर चर्चा की। गोष्ठी में तंबाकू के हानि के प्रति लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम पर भी रणनीति बनाई गई। ग्रुप न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नुसरत खान ने कहा कि हमारे शरीर को तो नुकसान पहुँचाई, आज समाज की नहीं है बल्कि हर व्यक्ति की है। ये एक पूरी तरह से खोखला करता है और इसके लिए हमें चाहिए कि हम एक एक व्यक्ति से, हर परिवार से, जहाँ तक संभव हो, जहाँ हमें ये जानकारी हो कि इस परिवार में कोई तंबाकू सेवन करने वाला व्यक्ति है, जो तंबाकू का सेवन करता है या नशीली पदार्थों का सेवन करता है, उसे हम रोकने का प्रयास करें। और रोकने का प्रयास सिर्फ हम यह करके नहीं कर सकते हैं कि ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य के प्रति आदमी बहुत जिम्मेदार नहीं होता, उससे क्या होगा इसको टाल जाते हैं। लेकिन जब हमें अपने बच्चों की चिंता आती है, जब हमारे बच्चों के ऊपर संकट आता है, हमारी पीढ़ी के ऊपर संकट आता है, तो हम शायद ज़्यादा जागरूक होते हैं और उसके लिए बचते हैं। तो जिस दिन हम उन्हें ये आईना दिखाने में सफल होंगे कि आपका ये कृत्य आपको नुकसान नहीं कर रहा, आपका कोई नुकसान नहीं कर रहा, आप तो ठीक है, आप अपना जीवन जी चुके हैं, एक स्तर तक पहुँच चुके हैं, बहुत सारी सुविधाओं का भोग कर चुके हैं, निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है, इस बंधे हुए परिसर से निकल के, अगर बाहर निकल कर आवश्यक रूप से, जहां वास्तव में इसकी आवश्यकता है, इसे कार्य रूप अगर दिया जाए तो बहुत सफल होगा। मात्र इन गोष्ठियों से कुछ होने वाला नहीं है, केवल अखबार के पन्नों पर हम छप सकते हैं, मुख्य पृष्ठ तक जा सकते हैं, लेकिन उस मुख्य व्यक्ति तक हम तभी पहुँचेंगे जब वास्तविक जगह तक चल के चलेंगे। तो व्यक्ति का पूरा पूरा परिवार अगर इस बीमारी की चपेट में आ गया तो पूरा पूरा परिवार एवं उसका भविष्य बर्बाद हो जाना है। निश्चित रूप से सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब वो धीरे धीरे किसी पेशेंट को, किसी मरीज को देखते हैं जो इस बीमारी से ग्रसित है, तब वो पछताते हैं और इसकी सत्यता को जान पाते हैं, क्योंकि उनके पास इग्नोरेंसी बहुत ज़्यादा है और इस चीज़ को ठीक से वो समझ नहीं पाते हैं या समझते हुए थोड़ी धृष्टता करते हैं। तो जब यह चीज़ें उनको दिखाई देंगी किसी फिल्म द्वारा या प्रोजेक्टर द्वारा, या लोगों को और जागरूकता की जाएगी क्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम से, तो वह लोग जब इसके दुष्प्रभाव को अच्छी तरह जान पाएंगे तब अपने व्यवहार में इसको लागू करने का प्रयास करेंगे और तभी जो है इस बीमारी से हम लोग ठीक से निजात पा सकने में समर्थ हो पाएंगे। तो इस दिवस का उद्देश्य यही है कि लोगों को अच्छी तरह जागरूक किया जाए, जो वर्ग जो दूर दराज में है, जो इससे ज़्यादा ठीक से परिचित नहीं है, तो उनको भी जागरूक किया जाए, जैसा कि हमारा विभाग कर रहा है। लेकिन चूंकि यह एक विभाग एक व्यक्ति से ऐसा संभव नहीं हो पाएगा और सभी लोगों की एक तरह से क्यूमुलेटिव जिम्मेदारी है कि लोगों को जागरूक करें, इसके दुष्प्रभाव को बताएं कि कौन कौन सी बीमारियाँ कैसे कैसे हो रही हैं, कैसे इससे टोबैको अब्यूजर्स हैं, जो भी टोबैको का सेवन करते हैं वो कम से कम 24 घंटे टोबैको को कंज्यूम ना करें। ये टोबैको कंट्रोल डे का मेन टारगेट था और मुझे लगता है कि टोबैको एकदम अचानक से तो वर्ल्ड से हम गायब नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम टोबैको कंट्रोल डे से हम शुरुआत कर सकते हैं। टोबैको के इन इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स, उससे होने वाली डिजीज़ तो डिस्कस हो ही चुकी हैं। मैं थोड़ा सा ओरल कैंसर और लैरिंजियल कैंसर, जो कि टोबैको की वजह से स्पेशली हमारे कंट्री में, इंडिया में लंग कैंसर नंबर 1 पे आता है और ओरल कैंसर नंबर 2 रैंक पे आता है टोबैको की वजह से, उस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। ओरल कैंसर्स में बहुत पहले से पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर आदमी को या जो भी टोबैको अब्यूज़र है उसको आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली है, ये डिजीज़ उसका आगे बढ़ के कैंसर का रूप ले सकता है। जब म्यूकोप्लेकिया या एरिथ्रोप्लेकिया, जिसमें फाइब्रस बैंड्स हमारे ओरल म्यूकोजा में, हमारे
अंदर गाल की खाल में बनने शुरू हो जाते हैं। फाइब्रस बैंड्स बनने की वजह से जो हमारा गाल का गुलाबीपन है, जो पिंकिश म्यूकोजा हमको दिखाई देता है, वो वाइटिश म्यूकोजा में कन्वर्ट हो जाता है। जो सॉफ्ट म्यूकोजा है वो हार्ड हो जाता है और उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से चार उंगली मुँह में जानी चाहिए, उसकी वजह से धीरे धीरे करके मुँह का खुलना कम हो जाता है। ये बहुत लोग रियलाइज़ करते हैं जो टोबैको लेते हैं, लेकिन डॉक्टर को अप्रोच नहीं करते हैं। जनरली पेशेंट्स आएंगे हमारी ओपीडी में कि मुंह इतना खुल रहा हुआ कि सिर्फ एक उंगली जाएगी, दो उंगली जाती है, पेशेंट रोटी खाने के लायक नहीं बचता है। तो बहुत लेट पेशेंट्स को पता चलता है कि अब ये टोबैको की वजह से हमको ये प्रॉब्लम हो गई। आज 31 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पूरे वैश्विक स्तर पर नो टोबैको डे मनाया जाता है। इस दिन एक मैसेज दिया जाता है कि आज के दिन जितने टोबैको यूजर हैं, आज 24 घंटे तक वो टोबैको यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन इसके पीछे एक और भी मकसद है कि जो यूज़ कर रहे हैं, तंबाकू का प्रयोग कर रहे हैं, उनको एक मैसेज देना है, उनको एक नसीहत देनी है कि वो इस गलत आदत को छोड़ दें। और जो नए लोग हैं, जो नई जनरेशन है, जो नए यूज़र हैं, उनकी काउंसलिंग करने का उद्देश्य है कि वो जो है इस तंबाकू रूपी जो महामारी है, बीमारी है, इससे दूर रहें। इस कार्यक्रम का आयोजन आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर सीएमओ साहब के यहाँ किया गया और इसमें जो है कई बातें निकल कर आईं कि आज दुनिया में जो है हिरोशिमा, नागासाकी और ट्विन टावर्स वगैरह में जो मौतें हुई हैं, उनसे कहीं ज़्यादा मौतें तंबाकू के सेवन की वजह से हो रही हैं। आज प्रतिवर्ष 60 लाख लोगों के मरने का एक अनऑफिशियल आंकड़ा उन्होंने बताया, जो तंबाकू और उनसे होने वाली बीमारियों से उनकी मौत हो रही है। तंबाकू से कई बीमारियां पनप रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से कैंसर, दिल से संबंधी, ब्लड प्रेशर एंड श्वास प्रणाली से संबंधित बीमारी हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि कैंसर की वजह से, माउथ कैंसर और लंग कैंसर की वजह से ना जाने कितने घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं, जो ना तो जो उनके घर में बीमार हैं उनकी जिंदगियां बचा पा रहे हैं और ना ही अपनी संपत्ति को बचा पा रहे हैं। अपनी सारी संपत्तियां उन्हें बेचकर उसका इलाज करना पड़ रहा है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस आयोजन के माध्यम से हमारा एक संदेश था विधिक सेवा प्राधिकरण का कि हम समाज को नशे से जितना हो सके बचाएं और उसको खत्म करने का प्रयास करें। नशा जो है ये हज़ार बुराइयों की जड़ है। हम न्यायालय में भी देखते हैं कि जितने पारिवारिक मैटर्स आते हैं उनमें पति पत्नियों के बीच एक बहुत बड़ा विवाद का कारण यही होता है कि पति शाम को जो है नशे में लिप्त होकर आता है और अपने दिन भर की जो कमाई होती है मेहनत की, उसको नशे में उसको खर्च कर चुका होता है। अपने घर में उसे जब पहुंचता है तो उसे बच्चों को खिलाने के लिए रुपए नहीं होते हैं, घर में खाना ना होता है और पढ़ाई कराने के लिए, बच्चों के एडमिशन के लिए फीस नहीं होती है, पत्नियाँ परेशान होती हैं और ये एक बड़ा विवाद का कारण होता है पतियों का और पतियों का। और ये विवाद आगे बढ़कर न्यायालय तक पहुंच जाता है और न्यायालय में अक्सर देखा गया है कि पत्नी की जो शिकायत है, जो विवाद है, जो मेन केंद्र बिंदु है विवाद का, वो यही है कि पति नशे का आदि है और पत्नी उसे मना करती है, लेकिन वो उसको न मानते हुए उसके साथ प्रताड़ना का व्यवहार करता है, क्योंकि नशे में उसको नहीं मालूम होता है कि वो क्या कर रहा होता है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कोर्ट में बढ़ते हुए मुकदमों का भी। हालांकि हम अपने मीडिएशन के माध्यम से दोनों पक्षकारों को बिठाकर सुलह कराने की पूरा प्रयास करते हैं और उसके साथ ही साथ हमारे मीडिएटर्स उनको इस बात की नसीहत भी देते हैं कि अगर नशा करेंगे तो अपने घर में लड़ाई और विवाद पैदा करेंगे, इससे आपका नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा, आने वाली जनरेशन को आप क्या सिखाएंगे। तो इस मैसेज के साथ हम यहाँ से उनको विदा करते हैं। ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसे लोगों से हम आपके चैनल के माध्यम से करबद्ध प्रार्थना करना चाहेंगे कि कृपया अपने और अपने परिवार और अपने समाज के लिए नशे को छोड़ दें। इसका कोई लाभ नहीं है, ये सिवाय नुकसान के आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। इससे हमारे परिवार के साथ साथ हमारे देश
को भी क्षति हो रही है। कहीं ना कहीं हमारा जो देश है अगर वो स्वस्थ नहीं है तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ कार्य करके विकास की ओर अग्रसित नहीं हो सकता। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जो नशे में लिप्त हैं कृपया वो नशे को छोड़ दें, त्याग दें और परिवार के साथ स्वस्थ जीवन व्यतीत करें।